मित्रों, जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी इष्ट की आराधना करते हैं, तो हमारी भक्ति, हमारा समर्पण किस प्रकार का हो। जो व्यक्ति अहंकार रहित साधना करता है, अहंकार से मुक्त होकर के साधना करता है, और जो कुछ भी उसके जीवन में घटता है वो सब ईश्वर की कृपा मानता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को इष्ट की असीम कृपा प्राप्त होती है। इन सब का उदाहरण यदि आपको देखना है तो हमें हनुमान जी के चरित्र को पढ़ना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, प्रभु राम के प्रति उनका समर्पण, उन्होंने किस प्रकार अहंकार मुक्त साधना उनकी की, उसे समझना चाहिए। तो आज हम हनुमान जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी भक्ति कैसी थी प्रभु राम के प्रति, उनका समर्पण कैसा था, और उनके अंदर अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बालोलिया। अतुलित बल धावम हैम शैलाभ देहम तनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। मित्रों, हनुमान जी जब माँ सीता का पता लगाने के लिए जा रहे थे और जब वो समुद्र को पार कर रहे थे तो सरसा नाम की राक्षसी उनको निगलने के लिए अपने स्वरूप को बढ़ाते जा रही थी, तो वो भी अपने स्वरूप को दोगुना करते हुए चले जा रहे थे, और अंत में हनुमान जी ने अपने स्वरूप को छोटा किया और उसके मुंह का चक्कर काटते हुए बाहर आ गए और उनको प्रणाम करके आगे चले गए। यानी जो साधक होता है, जो भक्त होता है, जैसी बड़ा होता है उसके अंदर नम्रता आ जाती है, वो झुक जाता है, और जो व्यक्ति झुक जाता है वो व्यक्ति दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए उसका सामना करने में सक्षम हो जाता है। जब वो वहां से आगे चले तो सुमेरु पर्वत ने उन्हें विश्राम करने के लिए बोला, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, उसको स्पर्श करते हुए निकल गए। यानी जब हम इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं तो हमें जो भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं उन्हें सिर्फ ईश्वर की कृपा मान करके, उन्हें सिर्फ विलासतापूर्ण जीवन के तरीके से उपयोग ना करें, अपनी जरूरत समझ करके उनका उपयोग करें, उनके प्रति आसक्ति ना रखें। जिस कृपार हनुमान जी चाहते तो वहाँ विश्राम कर सकते थे, वहाँ का वैभव प्रदान कर सकते थे, ले सकते थे वहाँ की सुख सुविधाएँ, लेकिन उन्होंने उनका सम्मान भी रखा और आगे बढ़ गए। हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार का सम्मान रखते हुए उन चीज़ों में लिप्त नहीं होना चाहिए। विभीषण का उन्होंने सम्मान किया, जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो अच्छे मार्ग पर चलता है, सम्मान करना चाहिए। जब सीता जी का पता करके वापस आए तो प्रभु श्री राम ने उनके द्वारा किए हुए कृत्यों की काफी सराहना की। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सब आपके प्रताप से हुआ। बोले, मेरे प्रताप से कैसे हुआ भाई, समुद्र तो पार आपने किए, लंका तो आप गए, इसमें मेरा प्रताप कहाँ से हुआ। तो हनुमान जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि प्रभु, आपने जो मुद्रिका माता सीता को देने के लिए दिया था उसी मुद्रिका के प्रताप से मैं गया। हमें जब कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो हम ये भूल जाते हैं कि ये प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, उसमें हम अपना ही श्रेय लेना चाहते हैं।
भगवान जो हनुमान जी है उनके समान हमें अहंकार मुक्त होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बोला कि प्रभु आपकी मुद्रिका के सहारे में गया, बोले ठीक है चलो मान गए कि आप हमारी मुद्रिका के सहारे गए, लेकिन लंका में आग तो आपने लगाई। बोले भगवान मुझे तो इतना आदेश हुआ था कि सीता जी का पता करके वापस आ जाना है, और मैंने सीता जी को देख लिया था, वापस आने वाला था, लेकिन आपने जो है एक राक्षसी के माध्यम से मुझे याद दिलाया। उस राक्षसी ने बोला जब मैं वहाँ छुपा हुआ था कि सपने बानर लंका जारी जात घन सेना सोमारी, तब मुझे याद आया कि प्रभु आप तो मुझसे और कुछ कराना चाहते हैं, मुझे अभी लंका जलाना है, असुरों का संहार करना है, तो वो आपकी कृपा से हुआ, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया। बोले चलो मान गए, लेकिन लंका से फिर वापस तो आ पाए समुद्र को लांग करके। बोले इसमें माता सीता जी का प्रताप है। बोले कैसे? बोले गया मैं आपकी मुद्रिका के सहारे था और आया वहाँ से माता सीता की चूड़ा मणि के प्रताप से। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति साधना करता है वह व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी होता है, उसे निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन हम क्या काम करते हैं कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है अच्छे का श्रेय हम स्वयं ले लेते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और बुरे का श्रेय जो है हम ईश्वर को दे देते हैं कि तेरे कारण ऐसा हो रहा है, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर फिर भी जो है इतने अत्याचार हो रहे हैं, जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं वो लोग खुश हैं लेकिन हम जो है वो परेशान हैं, और हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर झांक करके नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन हम अपनी त्रुटियों को देखने लगेंगे, जिस दिन हम समर्पित भाव से भक्ति करने लगेंगे, जिस दिन हमारे अंदर अहंकार से हम मुक्त हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिवित की दाता, अष्ट सिद्धियों के वो स्वामी बन गए, तो उसी प्रकार से ईश्वरीय निश्चित रूप से ईश्वरीय शक्तियाँ हमें शक्तियाँ प्रदान करेंगी और हम भी उसी प्रकार उनका उपभोग कर सकेंगे। अन्य वीडियो में किसी नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। आज इतना ही। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।